चलिए दोस्तों, मंदिर का दर्शन तो आप लोग भी कर लिए, घर बैठे भोलेनाथ का दर्शन कर लिए, सबसे बड़ा तो ये खुशी की बात है ना दोस्तों। और अभी देखिए बारिश रुकी हुई है, मैं कबूतर को दाना दी हूँ और कबूतर अपने मस्ती में है, आप देख सकते हैं कबूतर कितना खुश है। राधे राधे दोस्तों, मैं तो पिता मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। चलिए दोस्तों, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, अभी बेचारा ये आराम करेगा, कॉलेज का भी छुट्टी। अभी नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा है, जा रही हूँ मैं इडली चटनी बनाने के लिए। अभी ये तो खाएगा नहीं, इसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, बोली ना एक ना एक कुछ ना कुछ सबका अलग ही बनाना है। तो चलिए, इसका तो आज कॉलेज स्कूल सबका छुट्टी, क्योंकि तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो पढ़ेगा, शरीर स्वस्थ रहने के बाद पढ़ेगा तभी तो कुछ काम है, पढ़ लिख के करेगा क्या जब शरीर सही नहीं रहेगा तो। मैं बोली आराम करो और दवाई इसको मैं खिला दी हूँ, ये अभी आराम करेगा, लेकिन मोबाइल का वो आराम नहीं करने देगा। ये जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मेरा नाश्ता बन चुका है, चटनी और साथ में इडली, तो नाश्ता तो बन चुका है। चलिए, मेरा नाश्ता भी बन चुका है। और दोस्तों देखिए, चीकू पीहू को कितनी मस्ती चल रही है, मैं अभी दिखा रही हूँ लोग को। ये देखिए, दोनों को अलग अलग रखी हूँ, आप देख सकते हैं इसके प्यारे बच्चे को, आप देखिए 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 देखिए, 1 2 3, ये तीनों फैमिली है दोस्तों, ये लोग का पूरी मस्ती है, तीनों परिवार अपना बातें करते रहता है, देखना है। देखिए इसको भी आप देख ही लिए। चलिए अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, नहा के मंदिर वगैरह जाऊंगी। चलिए दोस्तों, आप लोग भी चलिए, बारिश तो पड़ रही है फिर भी जाऊंगी जरूर। आप लोग भी भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। आप लोग देखिए भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। हरे हरे बोल नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, मंदिर का दर्शन तो आप लोग भी कर लिए, घर बैठे भोलेनाथ का दर्शन कर लिए, सबसे बड़ा तो ये खुशी की बात है ना दोस्तों। और अभी देखिए बारिश रुकी हुई है, मैं कबूतर को दाना दी हूँ और कबूतर अपने मस्ती में है, आप देख सकते हैं कबूतर कितना खुश है, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप जैसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ये लोग को भी, नहीं तो पता है बारिश की वजह से रुक जाता है ना ये लोग कहीं ना कहीं। चलिए अब मैं जाऊँगी घर पर, क्योंकि आज मेरा बेटा का तबीयत ख़राब है, अभी रास्ते में जाऊँगी उसका, कुछ दवाई ले लूँगी मेडिकल से, और इसके बाद क्या बोलूं, तबीयत ख़राब रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, घर में कोई भी सदस्य अगर बीमार रहे तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं पूजा कर ली हूँ, कबूतर को दाना दे दी, अभी जाके दवाई लूँगी, सीधे घर जाऊँगी, बाकी का काम करते रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी सब दर्शन कर लिए, कबूतर का, भोलेनाथ का दर्शन है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं घर पर जा रही हूँ, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, नए तो सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।